आज भी उठने में लेट हो गया। 11 बजने वाले हैं सुबह के। पीयूष ये रहा। पीयूषी आज भी लेट हो गए, 11 बज गए। बाय द वे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साहिल तो उठ गया है। पीयूष और मेरे को तो ये वाला रूम मिला हुआ है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे पीयूष और मैं सोते हैं रात को आराम से, और यहाँ पे भगवान जी भी हैं, मंदिर भी है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। फिलहाल जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं आज कहाँ जाना। आज मेट्रो में चलेंगे। पीयूषी गोल्डी नीरज चलो आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। यू टेक इट। क्या? चलिए शुरू करते हैं। वो कहाँ रह गया पीयूषी? आ जा, बुला के ला उसको, आईपैड ले ले उससे। तो आज है ब्रेकफास्ट में, अरे वाह मैक्रोनी पीयूषी, मौज होगी आज तो। अभी मजा आएगा ना। वैसे पीयूषी मजा आ रहा है यहाँ तो ब्रेकफास्ट में, कभी मैगी कभी मैक्रोनी कभी क्या कभी क्या है। तेरे को तो यही चाहिए बस, है ना? आपको क्या चाहिए? मेरे को तो कुछ भी मिल जाए, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। रुको मैं डाल के देता हूँ, सारे एक जगह बैठे रहो, इतनी काफी है आपके लिए। लो सबसे छोटे सबसे पहले मिलेगा। लो अब पीयूष को। साहिल दा कहाँ है? अच्छा साहिल दा नहा रहे हैं। आज मेरठ जा रहे हैं, मेरठ। मैं ड्राइव करके ले जाऊंगा मेरठ तक। एक्साइटेड? यस। तो अभी गाइज हम तो रेडी हो गए हैं, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मेरठ आज घूमने के लिए। तो आज रात को हम वहीं स्टे करेंगे और कल सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। और आने वाले दो दिन हमारे लिए इतने ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, इतने ज़्यादा सरप्राइज़ मिलने वाले हैं आप लोगों को, जो कि मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो आप देखना, आने वाले बहुत तगड़े एक्साइटिंग व्लॉग होने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं, जल्दी निकलते हैं हम तो आगे नीचे, बाकी अभी सर वगैरह आएंगे। चलो मिशन गाड़ी ढूंढो, उधर को कहीं खड़ी करते हैं। ये रही गाड़ी, क्या गंदी हो जाती है रोज रोज। कौन सा है? नई गाड़ी लग, बिल्कुल भी नई गाड़ी है ये। देखो बाहर से तो इतनी लंबी लगती है, ठीक है, और डर सा लगता है कि यार चलाने में दिक्कत आएगी, लेकिन जब अंदर बैठता हूँ ना मैं चलाता हूँ तो पता ही नहीं चलता, सकता नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो गाइस कौन कहेगा ये बिल्कुल नई गाड़ी है, हालत देखना यहाँ पे। वैसे तो आज का हमारा प्लान था मेट्रो में कहीं सीपी वगैरह जाने का, बट सडनली प्लान बना मेरठ जाने का, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। क्या हुआ, कैमरा किधर है मेरा? कैमरा कहाँ है? क्या भूल गया ऊपर? कैमरा ले क्या? ये क्या है? चप्पलें भी लेके जा रहे हैं। मेरी चप्पल भी है, देखियो मेरी भी है। चलो बढ़िया है। मास्क लेने के लिए गया और मेरा कैमरा ऊपर भूल के आ गया। तो गाइस बात ऐसी है, पीयूष को मैंने आज अपना कैमरा सौंप दिया है, ये सबसे पीछे वाली सीट में बैठता है, तो अपने साथ में रखेगा और व्लॉग भी करेगा, देखते हैं कैसा व्लॉग करता है। देखें सभी रेडी हैं, सभी बैठ चुके हैं, अब चलते हैं। आई होप आपको हमारे दिल्ली के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, दिल्ली की जो सीरीज है काफी एक्साइटिंग एक्साइटिंग है, और भी आने वाली है, वेट करना। अब तो मेरे को भी यहाँ के रास्ते थोड़े बहुत याद हो गए हैं। क्या हुआ पीयूष को? उल्टी आ रही है। अरे यार क्या खाया था? मैक्रोनी खाई थी। इसको हमेशा ऐसे होता है, देखिए गाड़ी में तो इतना अच्छा लगता है यार, मतलब अलग ही फीलिंग आती है, फिर भी इसको उल्टी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। पीछे वाली सीट में बैठा था वो, अब पीयूष को पीछे मत बिठाना, पीछे बिठा लेना। पीछे तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं पीछे मत भेजो, बीच में बैठ, बीच में बैठा। अब तो सो जा, सो जा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मेरठ, अब यहाँ पे पहले तो खाना खाते हैं। तो यही जाना है हमको। क्या नाम है इसका? ये बिग बाइट। तो अभी हम आए हैं बिग बाइट फूड रिजोर्ट में। क्या खाना चाहेगा बता? आज हमारे साथ कुछ लोग एक्स्ट्रा जुड़े हैं, किसी भी और भी खाना, थोड़ा दियो, और इससे तेरे को पता है क्या होगा, वैसे भी नॉर्मल खाना खाइयो, ठीक है। तो एक्चुअली सीन ऐसा था, पीयूष को बाहर आना पड़ा क्योंकि गाड़ी में से इसको जैकेट निकाल देता हूँ, इसको अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है एसी की वजह से। खाना छोड़ के आ गया, ये मेरे को भी छुड़वा दिया। वो ना रेस्टोरेंट में ऊपर की साइड एसी होते हैं पूरा हर जगह, साइड में होगी देख। वैसे ठंड तो मेरे को भी लग रही है, ये तो लेके नहीं आया, ये गाड़ी में पड़ी थी इसकी ऑलरेडी, तीन चार दिन से पड़ी थी। तो गाइस अभी हम खाना खा के बाहर तो आ चुके हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद चलते हैं उन सर के घर पे। आज वहीं पे रुकेंगे और कल सुबह सुबह वहाँ से आ जाएंगे। मैं इन भैया की गाड़ी में जाऊंगा। और भाई हेलो, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी का सीन ये है कि सौरदा तो गए हैं इनोवा में और हम तीन आए हैं इसमें बलेरो में आए हैं, तो वो तो पीछे रह गए बहुत, तो अभी चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम घर पहुँच चुके हैं, तो सौरदा और अभी तक पहुँचे नहीं, तो हम तो भैया हमको अपनी चिड़ियाँ दिखा रहे हैं, तो ये देखो भाई हेलो। तो अभी हम यहाँ पहुँच तो गए हैं और सामने वाले पार्क में देखो, वाह यहाँ आके भी पतंग उड़ाएगा ये। पीयूष तेरे पीछे देख क्या है, हस्की बैठा है, इसके पास जा सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, काटेगा तो नहीं, काटता भाई, कितना खतरनाक लग रहा है देखना। क्या नाम है इसका? ड्यूक।
ड्यूक भेड़िया लग रहा है बिल्कुल ये। शेक हैंड पतंग उड़ाने के लिए पीयूष चला गया है बगल वाली छत पे। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में। जो यहाँ का एरिया है ना वो दिल्ली के एरिया से मस्त लग रहा है मुझे। कुछ इस तरह के फ्लैट है यहाँ पे, विला टाइप के। सामने पार्क है एंड रोड भी काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है। ये सब्सक्राइबर काफी टाइम से वेट कर रहे हैं पार्क में, ऊपर से देखे थे बुला नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ कह रहे थे, आ गए। अब जब अंधेरा होगा तभी हम वापस लौटेंगे, तब तक घूमते रहेंगे। इधर देखो सारे घर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो भी पीयूष घुस गया है स्विमिंग पूल के अंदर। पीयूष कैसी लगी तेरे को ये सोसाइटी? मस्त है ना, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी है। इस सोसाइटी में ना पर्सनल घर भी हैं, पर्सनल विलास भी हैं और साथ में बिल्डिंग्स भी हैं। देखो तो गाइस बात ऐसी है, अभी हम आए हैं पिज्जा लेने के लिए, एक बहुत बड़ा पिज्जा। कितना बड़ा? 24 इंचेस का। तो पिज्जा चैलेंज करेंगे आज, देखते हैं कौन ज्यादा खा सकता है। पीयूष नहीं आया बिकॉज पीयूष को थोड़ी वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी ना। पिज्जा रेडी हमारा, हम पहुंचने वाले हैं अभी 5-10 मिनट में, लेते हैं और चलते हैं घर और फिर घर जाके करते हैं चैलेंज। तो अभी हम आए थे बलेरो में लैपिनोज पिज्जा। साहिल तू पकड़ ले, साहिल आराम से आराम से। इसको रखेंगे कहाँ पे? पीछे कैसे रखेंगे? डिग्गी में नहीं आएगा भाई? अरे आएगा आएगा आएगा। तो पिज्जा हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से रख दिया है, बस गिरना नीचे ठीक है, पकड़ के बैठ जाऊंगा मैं। तो ये जो पिज्जा है देखो ये तो टेबल से बड़ा निकला। सर तो ये नहीं है कि कौन ज्यादा खाएगा, ये है कि एक स्लाइस कौन पहले खाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आज हम करेंगे पिज्जा चैलेंज। तो गोल्डी और पीयूष के बीच में होगा चैलेंज, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा खा पाता है। यार दोनों ही बिल्कुल सेम सेम है। चलो मिर्च पर जाके मेरे खत्म भी होने वाला, मैं शुरू अभी कर खत्म भी होने वाला। गोली मत खा, गोली मत खा, मिर्च छोड़ दे। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। गोली मत खा, चीटिंग नहीं। हार गया। पीयूष हार गया। तो जैसे कि आपने देखा गोल्डी आज का विनर, पीयूष हार चुका है। बहुत बुरी हार हुई पीयूष की, पीयूष का इतना सारा बचा हुआ है देखो। इनको देख के अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो मैं भी खा ही लेता हूँ, बहुत भूख लगी। नहीं नहीं ऐसे खा लेंगे। तो अभी सबने मिलके पिज्जा कंप्लीट कर लिया है, बस इतना सा स्लाइस बचा हुआ है, इसको भी खा लो कोई। लेकिन पिज्जा काफी टेस्टी था, बट मुझसे वो स्लाइस खाया नहीं गया, पता नहीं इसने कैसे खा लिया। कैसे खाया रहा तूने? ये देखो सबका बचा हुआ है, इससे भी नहीं खाया जा रहा, आंटी से भी नहीं खाया जा रहा, 11 बंदे से किसी से नहीं खाया गया। वही तो कह रहा हूँ, इसने पता नहीं कैसे खा लिया। ये कह रहा भी मेरे को और खाना है। पीयूष यहाँ था, मैं और पीयूष। हेलो बच्चा पार्टी। हेलो, मौज कर रहे हो फुल? तो अभी टाइम क्या हो गया, 11:30 बज चुके हैं। जैसे कि आपने देखा बच्चे तो फुल मस्ती कर रहे हैं नीचे, मैं अपना रूम में आ गया हूँ बिकॉज मुझे एडिटिंग करनी है, पीयूष भी नीचे ही है। तो फिलहाल गाइस मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, अब बस एडिटिंग करके सो ही जाऊंगा मैं, बिकॉज सुबह जल्दी उठना है और हमको निकलना भी है और आने वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग देखना, आपको मजा आ जाएगा देख के। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आता वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोर सबसे ऐसी बांधी लगता है परिवार का, डोर सबसे ऐसी बांधी लगता है परिवार का। सादगी है सौम्यता है अनगिनों का साथ है, सादगी है सौम्यता है अनगिनों का साथ है। लाखों के दिन की तुम्हारे व्लॉग से शुरुआत है, लाखों के दिन की तुम्हारे व्लॉग से शुरुआत है। तुम बढ़ो आगे हमेशा, सौरभ तुम्हारी क्या बात है। आज अभिनंदन करें हम, अवसर ये एक गौरव का है, जो है घर घर का चहेता साथ उस सौरभ का है।